उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह कल ग्रेटर नोएडा पहुंचे। उन्होंने कोरोना के साथ ही सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के कई सवालों के जवाब भी दिए। पत्रकारों ने उनसे अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की मशीन महीनों से ठीक नहीं होने पर जानकारी मांगी। इस पर सुनिए किस तरह से वे सीएमओ को खोजते नजर आए। मंत्री जब आपके 2 साल पूरे हुए थे तो यही इसी कॉन्फ्रेंस में बादलपुर में एक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर एक सवाल उठाया गया था, जो कि वहाँ पे जो उसकी अल्ट्रासाउंड जो मशीन थी वो खराब पाई गई थी, जबकि डीएम साहब ने उसमें और वो भी थे सीएमओ साहब, उन्होंने पूरा ये कहा था कि वो सही है, जबकि वो आज तक भी सही नहीं हो पाई। नहीं हो पाई। सर कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे चलेगी? सर आपकी मशीन है खराब हो तो मान रहे, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर में स्कूल कॉलेजों को बंद करने के आदेश दिए हैं, लेकिन गौतम बुद्ध नगर में कई यूनिवर्सिटी व कॉलेज खुलने के बाबत जब यूपी के मंत्री जय प्रताप सिंह से पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया और इस बाबत डीएम से क्या कहा। कमेटी में एक बड़े सीनियर स्तर पे मैंने बात किया, उन्होंने कहा कि 2 तारीख तक हमारी सभी चीज़ें बंद हैं और मैं उनकी बात को अब रिकॉर्ड ले रहा हूँ। मैं आप लोग से अनुरोध कर रहा हूँ कि अलग अलग तरीके के व्यक्ति अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं, आप प्रशासन से वेरीफाई करें और वहाँ के टॉप से वेरीफाई करके तब कोई बात करें। सर ये आज ही के फोटो है। मैंने कहा कि हो सकता है कि कोई एसेंशियल चीज़ हो, उन्होंने मुझे कहा मिस्टर कोचर ने बंद है।